नमस्कार, घड़ी में दो बज चुके हैं। वक्त चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे अगले एक घंटे खबरें सीधे न्यूज रूम से। अभिषेक नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले एक घंटे तक सीधे न्यूज रूम से वो तमाम अहम खबरें जो जाननी आपके लिए जरूरी है वो सीधे न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचाएंगे। चारू नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अगले एक घंटे आपको बताएंगे हर वो खबर जो जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर कौन कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं सीधे न्यूज रूम में। तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी छापेमारी और बुलडोजर प्रहार। यूपी में किस तरह से गुंडों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उमेश पाल हत्याकांड में जो जो आरोपी थे कैसे कार्रवाई की जा रही है, न्यूज इंडिया आपको यह भी बताएगा। इसके बाद देखिए दिल्ली में दो नए मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद किसे मंत्री बनाया जाएगा ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी इसके बाद देश को महंगाई का तोहफा। मार्च के महीने की शुरुआत और उसके बाद सिलेंडर के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी ये काफी अब चिंता का विषय है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है अब इस समय वो काफी परेशान है और किचन के बजट पर भी इसका बुरा असर पड़ने वाला है। कांग्रेस ने भी जमकर आज के दिन प्रदर्शन किया और देश भर में लगातार नारेबाजी कर रही है कांग्रेस इन तमाम तस्वीरों को देखकर, क्योंकि महंगाई देश में कब कब सिलेंडर के दाम बढ़े आज के दिन न्यूज इंडिया आपको ये भी बताएगा। तो चलिए आज के दिन की पहली बड़ी खबर अब बात करते हैं बुलडोजर प्रहार को लेकर। खुद ब खुद घुटनों के बल आ रहे हैं क्योंकि यूपी में बुलडोजर के खौफ से इस समय जो माफिया है वो अब अपने आप को सरेंडर किए जा रहे हैं। हम बात करें लगातार यूपी में हो रही कार्रवाई को लेकर। प्रयागराज हत्याकांड में जिस तरह से जो आरोपी शामिल थे इस समय उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, चाहे हम बात करें अतीक के सहयोगियों पर लगातार इस समय कार्रवाई की जा रही है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी है, जहां पर एक्शन जारी है। बुलडोजर से घर को गिराया गया और कई ऐसे भी ठिकाने जिसकी तलाश अभी जारी है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक अहमद के करीबियों पर पीडीए का एक्शन और ये एक्शन अभी आने वाले दिनों में जारी रहेगा। बात हम करें जफर की और कई ऐसे जो हैं कारोबारी भी थे साथ में जो अतीक अहमद के साथ मिलकर व्यापार करते थे उन पर भी ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसके पहले जब अतीक अहमद के घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा था तो जफर ही वो सहयोगी है जिन्होंने अतीक के घर वालों को पनाह दी थी, अतीक के घर वालों को अपने घर में रखा, लेकिन अब उसी जफर का घर भी अब जो लगभग 3 करोड़ जिसकी कीमत बताई जा रही है वो भी आज जमींदोज और मिट्टी में मिल गया। अभिषेक तो बिल्कुल देखिए सागर, बाबा का बुलडोजर जो है वो प्रयागराज में इस समय गरज रहा है और अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनके घर पर इस समय बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हमने उत्तर प्रदेश में देखी है और जो हत्याकांड हमने प्रयागराज में देखा, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आए थे उसने यह दिखाया कि माफिया भले ही बेखौफ हों लेकिन योगी सरकार उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि लगातार एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं और एक्शन किस तरीके से लिए जा रहे हैं। दरअसल देखिए जो यहां पे आपको लाइन दिख रहा होगा, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। जहां जहां साजिश वहां वहां बुलडोजर, बुलडोजर की कार्रवाई इस समय प्रयागराज में चल रही है। और आपको बता दें कि प्रयागराज हत्याकांड में फरार हमलावरों पर शिकंजा पूरी तरीके से पुलिस जो है यूपी की वो कस रही है। और आपको बता दें कि अतीक के करीबी जफर के घर पर इस समय एक्शन चल रहा है, उसके घर से पहले सामान निकाले गए, कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो आगे हम आपको दिखाएंगे। अतीक के करीबी के घर पर चल रहा है, यहीं पर शाइस्ता से जो शूटर हैं उनकी मुलाकात हुई थी। तो अब देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे करके ये पर्दाफाश पूरी तरीके से होता जा रहा है। अतीक के करीबी जफर के घर पर रुकी थी शाइस्ता, तो ये देखिए लिंक जो धीरे धीरे किस तरीके से बनता जा रहा है और हत्याकांड का खुलासा होता जा रहा है और एक्शंस भी लगातार चल रहे हैं। शूटरों की धरपकड़ के लिए भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, अलर्ट मोड में माफ कीजिएगा जो यूपी की पुलिस है वो पूरी तरीके से दिख रही है। ये तस्वीरें भी जो है वो लगातार सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में लगातार बुलडोजर चल रही है। बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है चारू, बिल्कुल देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड मामले में, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है।
क्या है ये बड़ा बयान वो भी आपको बता दें कि अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए एक तरफ अतीक अहमद ने खुद बताया है कि एनकाउंटर भी हो सकता है और ऐसे में बीजेपी के ये जो सांसद हैं ये इन्होंने बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल कन्नौज से सांसद हैं और इन्होंने ये एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर गाड़ी पलट जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इसको लेकर के बहुत सारे बयान भी सामने आ रहे हैं, वो बयान भी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसी ट्वीट के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्माती जा रही है। देखिए सुब्रत पाठक ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए विकास दुबे की तर्ज पर ही सुब्रत पाठक ने ये कहा है कि अगर अतीक अहमद को लाने वाली गाड़ी पलट जाए तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आश्चर्य इसमें मुझे नहीं होगा। एक तरफ अतीक अहमद का भी ये कहना है कि उन्हें डर सता रहा है कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। दूसरी तरफ विकास दुबे की तर्ज पर सुब्रत पाठक ने ये कह दिया है कि अगर गाड़ी पलटती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। सबसे अहम चीज है कि देखिए भारत नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि आरोपियों की धरपकड़ हो, बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है। ऐसे में क्या कुछ कहा गया पहले, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या पुलिस सुरक्षाकर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है। तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे में यदि विकास इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। चलिए तो सुना आपने, सबसे अहम चीज है कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीति भी हो रही है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से और शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सबसे पहले शेखर आपके पास आना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ आरोपियों की धरपकड़ और ऐसे में सुब्रत पाठक का ये बयान, आखिर क्या मायने निकाले जाए? देखिए ऐसा है कि बीजेपी में कुछ नेता ऐसे जरूर हैं जो इस तरीके के बयान आगे बढ़ चढ़ करके दे देते हैं जो बाद में उन्हीं के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद कोई दूध का धुला हुआ आदमी है नहीं, वो साबरमती जेल में है, उसका एक भाई जो है वो बरेली की जेल में है और दो लड़के एक नैनी में है एक लखनऊ में है। तो इस तरीके से जो पूरा खानदान है वो अलग अलग अपराधियों की फेहरिस्त है और वो अलग अलग जेलों में बंद हैं, मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। जैसे जैसे मामले के फैसले की घड़ी सामने आ रही है वैसे वैसे अतीक अहमद और उसके गैंग में जो जो खलबराहट है वो बढ़ती जा रही है और इसी का नतीजा है कि उमेश पाल जो इस पूरे मामले में एक अहम गवाह के रूप में थे राजूपाल हत्याकांड में, उनकी हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हो जाती है और जिस तरीके से होती है वो उत्तर प्रदेश सरकार पर सबसे बड़ा सवाल लगा करके चली जाती है। अब जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से कि इस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद बहुत पहले से थी, होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके के मामले चूंकि नहीं दिखाई दिए काफी समय से, उसकी परिणति है जिसमें राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हो जाती है। फिलहाल जिस तरीके की कार्रवाई चकिया में चली, जो जफर अहमद बताया जा रहा है जिसके घर से विदेशी हथियार भी मिले हैं, तलवारें मिली हैं, एक सूचना ये भी आ रही है मेरे सूत्रों के द्वारा कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही रिटायर्ड दरोगा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जेल के अंदर बैठ करके अंसारी की जो पुत्रवधू है वो अपने पति के साथ में बैठी हुई थी, तो चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, पुलिस प्रशासन जेल ये सब कहीं ना कहीं जब रुपए पैसे की चकाचौंध में पड़ जाते हैं तो नतीजा सामने है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर ये बयान दिया है कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, इसलिए उत्तर प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस प्रशासन है, अब उसकी मजबूरी है कि मिट्टी में मिलाओ वरना बाबा को क्या जवाब देंगे, उनको सदन के अंदर जवाब देना है। जिस तरीके की घटना हुई है उसका जवाब सरकार से मांगा जा रहा है। जुड़े शेखर राउत कराऊंगा। दिनेश सुबह 11:30 बजे का वक्त था जब ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, क्या अभी भी कार्रवाई जारी है और कौन कौन से ऐसे अभी घर चिन्हित किए गए, कौन कौन से आशियाने हैं इन गुंडों के जहां पर अभी बुलडोजर चलना बाकी है? दिनेश देखिए सुबह से कार्रवाई चल रही है, चूंकि बीच में जो बुलडोजर काम कर रहा था
जा रहा था, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से उसको रिप्लेस करके दूसरा बुलडोजर लाना पड़ा था। अभी भी कार्रवाई चल रही है और करीब 2/3 हिस्सा है जो मकान का वो चिराया जा चुका है। इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास जो लिस्ट है 141 लोगों की उन्होंने सूची बनाई है और जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस जगह ये मकान है वो बड़ी सकरी गली है, भीड़ है और बिजली की तार है, जिसकी वजह से पूरे ऑपरेशन को आगे ले जाने में दिक्कत हो रही है। करीब 2 घंटा अभी इस ऑपरेशन को पूरा करने में और लगेगा। चलिए ठीक है, दिनेश बने रहिएगा, शेखर बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा, तस्वीरें आपको और हम दिखाते हैं कि आखिर ये कार्रवाई किस तरह से की जा रही है और अभी इसमें कौन कौन से आरोपी हैं जो अभी फरार है। देखिए हम बात कर रहे हैं, असद की तलाश अभी जारी है। असद कौन है? असद की तलाश में लगातार इस समय छापेमारी का दौर जारी है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये भी आरोपी है, इस पूरे षड्यंत्र में ये भी शामिल था। प्रयागराज से इस समय पुलिस की टीम पहुंची हुई है असद की तलाशी के लिए। जैसा कि सहयोगी अभिषेक ने जिक्र किया था कि नेपाल और भारत की जो सीमा है उसके बॉर्डर को भी इस समय चौकसी वहां पर बढ़ा दी गई है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट के दूसरे तल पर है अतीक अहमद का फ्लैट, जहां पर ये समय कार्रवाई भी जारी है। कई ऐसे आशियाने, कई ऐसे किराए के भी मकान है जिस पर छापेमारी की जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं। भाई असद की तलाश के लिए मददगारों की भी लिस्ट भी तैयार की जा रही कि कौन असद का पता बता सकता है, कहीं किसी के कॉन्टेक्ट में तो नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस समय जो छापेमारी जा रही है 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है असद पर, की जो ढूंढ कर लाएगा प्रयागराज की पुलिस उसे 50,000 का इनाम भी देगी, और इसीलिए ताकि जल्द से जल्द असद जो है वो पकड़ में आ जाए। अब हम आपको तस्वीरें वो भी दिखाते हैं कि आखिर सुबह से देखिए किस तरह से एक्शन जारी है। सुबह 11:30 बजे का वक्त एक बुलडोजर से पूरी कार्रवाई की गई, 3 बुलडोजर को बैकअप में रखा गया था क्योंकि पतली और संकरी वहां पर गलियां थी, तो इसीलिए एक बुलडोजर ही वहां तक पहुंच पाया। अभिषेक बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जो घर से सामान निकाले उसमें एक पोस्टर आपको तस्वीरों में नजर आएगा, वो पोस्टर जो है वो पुलिस की तरफ से दिखाया गया। अब अतीक के जो करीबी हैं उनके ऊपर लगातार एक्शन जारी है और जफर के घर पर ये देखिए बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई और मकान को ध्वस्त करने को लेकर के एक्शन अभी भी चल रहा है। जैसा हमारे सहयोगी वहां से जानकारी दे रहे हैं कि करीब 2 घंटे का और वक्त जो है इसमें लग सकता है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आज जो एक्शन हुआ है इस घर पे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये इस समय फिलहाल अभी कार्रवाई भी जारी भी है, आगे भी ये चलती रहेगी। ये जो घर है इस समय पूरी तरह से लगभग जमींदोज हो रहा है, उसके सामान को पहले निकाला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तलवार, राइफल, बंदूकें, इस तरह की चीजें भी घर के अंदर से पाई गई हैं। अभिषेक बिल्कुल, तो प्रयागराज में इस समय बाबा का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है और इसी की वजह से, क्योंकि देखिए विधानसभा में ही मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और उसी तरीके से एक्शन भी लगातार चल रहे हैं प्रयागराज हत्याकांड को लेकर। चल बिल्कुल, देखिए आगे भी आपको इस पूरे मामले से जुड़े कई अहम अपडेट्स देने हैं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आरोपियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, कहां कहां छापेमारी हो रही है और कहां कहां बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बुलडोजर एक्शन पर लगातार बयानबाजी का दौर भी इस समय जारी है। नेताओं की तरफ से ये कह देना कि गाड़ी कभी भी पलट सकती है, आपको इस पर चौंकना नहीं चाहिए, इस तरह के बयान आखिर किस तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर कई बार सियासत भी गरमाई है। कई बार यूपी में जब जब एनकाउंटर हुए उस पर जमकर बयानबाजी का दौर भी चला, विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है और बुलडोजर कार्रवाई पर भी विपक्ष ने कई बार कहा कि सरकार की कार्यशैली ये सही नहीं है। अभिषेक बिल्कुल, तो देखिए एक्शन तो चल रहा है लेकिन एक्शन के बाद कई सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो रिएक्शंस हम आपको सुनवाते हैं। जेपीएस राठौर ने क्या कुछ कहा है, उमाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है उत्तर प्रदेश सरकार उसमें बिल्कुल हिचकेगी नहीं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है कि इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए, और माफिया अगर कहीं छुपे होंगे उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहाँ कहीं जाके छुपे होंगे इनको वहाँ से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हायतोबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होके डिस्टर्ब होके कहीं गाड़ी पलट ना जाए।
देखिए वो सरकार का हम चूंकि लाइन ऑर्डर के लिए हमारी भी जब सरकार थी बहुजन समाज पार्टी, कल मैंने कहा भी था कि 9 से लेकर के 11 तक बहुजन समाज पार्टी पूरे देश का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसमें 34वें नंबर पे थी, यानी एक प्रदेश नागालैंड ऐसा था जहाँ पे हमसे कम क्राइम था। तो बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा लाइन ऑर्डर के पक्षधर है, तो लाइन ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए बस किसी के आप जो कार्रवाई करें उसका हमें समर्थन है, लेकिन किसी के साथ भेदभाव और जाति न हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, न कि प्रतिशोध के भावना में किसी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। चलिए इस पूरे मामले पर नंद गोपाल ने क्या कुछ कहा वो बताते हैं आपको। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे अपराधी माफिया किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करते थे ये सब ने देखा है। मेरे ऊपर आरडीएक्स बम से हमला हुआ था 12 जुलाई 2010 को और मैं मिनिस्टर था, मिनिस्टर को रिमोट बम से उड़ा दिया गया और मैं कोमा में सात दिन, अज्ञात के खिलाफ FIR लिखी गई और जब उसकी जांच हुई तो 16 के 16 अपराधी समाजवादी पार्टी के थे और वो अपराधी कभी मुलायम सिंह जी को सोने का गदा और अखिलेश को सोने की तलवार और शिवपाल को सोने का मुकुट पहना। चलिए एक तरफ जहां बुलडोजर की कार्रवाई लगातार सवालों के घेरे में रहती है, वहीं आपने ये भी देखा था विकास दुबे जिस दौरान जा रहा था उस दौरान जब गाड़ी पलटी थी इसको लेकर भी कहा गया था कि दरअसल यूपी पुलिस ने ये सब कुछ साजिशन किया। अब ऐसे में सुब्रत पाठक का जो बयान आता है उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। सबसे अहम चीज है कि एक तरफ कार्रवाई आरोपियों पर चल रही है तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई भी लगातार चल रही है। चलिए एक बार शेखर आनंद त्रिवेदी के पास सरसर चलते हैं। शेखर, अतीक अहमद की पत्नी देखिए बार बार जो इस समय रिक्वेस्ट कर रही है सीएम योगी को पत्र लिखकर, उन्होंने कहा कि बचा लीजिए अतीक अहमद को, डर और खौफ का देखिए किस तरह से इस समय माहौल बन गया यूपी में, गुंडों में, उनके घर वालों में, वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। शेखर बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है, जब अपनी जान पर बनती है तो बड़े बड़े पलस्तर ढीले हो जाते हैं बड़े बड़ों के और वही कुछ हो रहा है अतीक अहमद और उनके पूरे परिवार में। उनकी बीवी जिस तरीके से अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग दरवाजों पर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही हैं, चिट्ठी लिख रही हैं, मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि अतीक अहमद का पूरा इतिहास, उसके पूरे परिवार का इतिहास किस तरीके का रहा है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बह चुका है। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरीके की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ जाती है या फिर किसी तरीके के दबाव में, किसी तरीके की ज़्यादा बड़बोलेपन के चक्कर में किसी तरह से कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश होती है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि चाहे वो सुब्रत पाठक का बयान हो या फिर किसी और नेता का बयान हो, सरकार में बैठे हुए खासतौर से जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो उसकी गंभीरता, उसकी इंटेंसिटी, वो अपने आप में कई ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो इस देश के भीतर देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं और अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ ही खड़ी रहती हैं। उन लोगों को बल मिलेगा वो इन्हीं बयानों को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा करके रिट पिटीशन डाल करके और इन सारी चीजों को कटघरे में खड़ा कर देंगे। अगर हम तो निश्चित रूप से सरकार को और इन सारी चीजों को हम एक साइड रखें और जो प्रशासन की कार्रवाई है, जो प्रयागराज में हत्याकांड सामने आया उसके बाद ये एक्शन को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ठीक है किसी ने अगर कोई बयान दिया है गाड़ी पलट सकती है या पलटेगी ये भविष्य की बात है, इसे कोई नहीं जानता क्योंकि कोई चीजें डिसाइड करके तो होंगी नहीं कि गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी, लेकिन जो एक्शन हुआ है उसे किस तरीके से देखा जाए, जायज है ये एक्शन या नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल जायज एक्शन, ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस को, देश की इंटेलिजेंस को जब इस तरीके के मामलों की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगता है तो फिर उमेश पाल जैसे गवाहों की हत्या हो जाती है। आपको पता है कि गवाहों के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है जिसके तहत उनको अलग अलग तरीके से न सिर्फ सुरक्षा कवच दिया जाता है बल्कि उनकी जान सलामत रहे ये चिंता करना सरकार और कोर्ट भी कई बार अपनी तरफ से निर्देश देता है। दो दो गनर उसमें उमेश पाल के साथ में थे लेकिन किस तरीके से हत्या हो गई, किस तरीके से एक गनर की भी जान गई है लेकिन उनकी ट्रेनिंग फिर किस तरीके की थी, वो क्यों नहीं बचा पाए अपने ऑब्जेक्ट को, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे तंत्र पर सवाल खड़ा करती हैं। साथ साथ जिस तरीके से इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है उसको लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। अभी जो एक्शन हो रहा है बुलडोजर के, देखिए एक अपराधी मारा गया है और एक की गिरफ्तारी हुई है,
इसके अलावा जो जेल में पूरा उसका नेक्सस चल रहा था उसमें डिप्टी जेलर को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई है सस्पेंशन की। ये पर्याप्त नहीं है शेखर, ये भी ये कार्रवाई इससे कहीं आगे चली जानी चाहिए थी। बिल्कुल शेखर, ये चीज समझना चाहेंगे कि देखिए सदन में हम देख रहे थे जिस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि जो भी माफिया है उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अतीक अहमद जो कि साबरमती जेल में बंद है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी क्या ये इतना आसान रहा कि वो नेक्सस वहां से बैठकर चलाता रहा? उसने व्हाट्सएप कॉल करे कॉलिंग के जरिए और उसने यहां पर इस इतनी आसानी से इस घटना को अंजाम दे दिया, और जबकि दोनों राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में तो सरकार पर और खुद पार्टी पर बड़ा सवाल उठ रहा है जो कि सुरक्षा के वादे करती है, दावे करती है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप केवल साबरमती जेल में अतीक के बंद होने से ही सवाल उठता है, इतनी बात भर बात नहीं है। ये केवल आप अतीक अहमद को देखेंगे तो आपको एक मसला एक आइसोलेटेड तरीके से दिखाई देगा, लेकिन जब आप गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक देखेंगे तो आपको एक गलियारा दिखाई देगा जहां से हिंदुस्तान के ऊपर हजारों ब्लेड के जरिए हमले होने। ये नेक्सस ऐसा नहीं है कि सिर्फ अतीक अहमद वहां साबरमती जेल में बैठ करके बना रहा, ये नेटवर्क बना हुआ है, बाकायदा अपराधियों की पनाहगाहें हैं। अरे यहीं लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में एनकाउंटर होता है आतंकी का, बीते दिन यहां पर एसटीएफ ने छापेमारी की है अतीक के फ्लैट पर, सदाकर जो उसका लड़का है उसके तलाश में हथियार मिल रहे हैं जहां पर बुलडोजर चल रहा है। तो आप इसको साधारण घटना मत मानिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार लगातार अपराधियों पर। बिल्कुल शेखर, आगे इस पूरे मामले में क्या भी खुलासे होते, नजर सबकी बनी रहेगी, आप सभी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।